दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चौथा क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं, नहीं देखे हैं आप तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, आइए सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ सीखेंगे वीडियो में, बस आपको पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना, सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी। पहला सवाल क्या दिया गया है, दिखने में तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन करना बहुत आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3a प्लस 5b अपान में माइनस 3a माइनस 5b है इक्वल टू 5 दिया है। इस पूरे चीज़ को आप उधर ले जाइए तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इधर क्या बचा अपने पास, इधर बचा 3a प्लस का कितना 5b और इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 15a हो जाएगा, है ना, 5 3 15a माइनस 5 5 25b इतना हो गया। अब यहाँ पर एक जगह कर लीजिए सभी को, है ना, तो a वाले को हम उधर ले जाते हैं, b को इधर ले आते हैं। तो देखिए 25b इधर आके जुड़ जाएगा 5b के साथ, तो 5b और 25b कितना हो गया आपका 30b हो जाएगा। इक्वल टू ये 3a उधर जाके 15a के साथ घट जाएगा यानी कि 12a आ जाएगा। अब यहाँ से a रेशियो b बोला है आपको, पूछा है a रेशियो b यानी कि a बटा b चाहिए, है ना। तो a को अपन लोग यहीं रहने देते हैं, b को इधर ले जाते हैं यानी कि बटे में b हो जाएगा। यहाँ पहले से 30 था, ये 12 आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 20 लिख रहे हैं यार, 12 होगा ना, दोनों 6 से कट रहे हैं, काट दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 6 2 12 यानी 5/2। ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी आपका यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 5:2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा सवाल देखिएगा, ऐसा सवाल करना हम आपको बता चुके हैं, वीडियो को रोक कर आप इसको एक बार खुद से लगाने का प्रयास जरूर करें, है ना। ऐसा सवाल हम करवा चुके हैं पिछले क्लासेस में, जाके देखें अगर आप तो इसको कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, है ना। 9 और 18 का तृतीय अनुपात बताना है, 9 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है दोस्तों। क्या थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है देखिएगा, अगर हम देखें तो 9 है 18 है और क्या है आपके पास एक और अनुपात होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। जो भी अगर द्वितीय अनुपात पूछता, मतलब कि मध्य अनुपात पूछता, देखिएगा हम आपको बता देते हैं, ए बी और सी अगर ये तीनों क्रमागत अनुपात में होती हैं तो ए को यानी शुरू वाले को हम लोग प्रथम अनुपात बोलते हैं, बी को हम लोग मध्यानुपात बोलते हैं यानी मीन प्रोपोर्शन, और सी को हम लोग दोस्तों तृतीय अनुपात बोलते हैं। समझ में बात आ गई, चलिए तो यहाँ पर आपको तृतीय अनुपात पूछा था तो तृतीय अनुपात को हमने एक्स ले लिया और तृतीय अनुपात हमारा तीसरे नंबर पर हमने फिट कर दिया। अब जब तीन संख्या दी गई होती हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका, इसके साथ एक बार रेशियो लग जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग समानुपात लगाते हैं और फिर इन दोनों के साथ आपका रेशियो लग जाता है यानी 18 और x के साथ, है ना, 18 और x के साथ। इसको तो आप यहीं से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना, डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 9 से ये कितना गुना है, 2 गुना है, मतलब 18 से ये भी आपका 2 गुना होगा, तो 18 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यानी तृतीय अनुपात क्या होगा 36 होगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग, अंदर अंदर वाले के मल्टीप्लाई बाहर बाहर वाले के मल्टीप्लाई, यानी 9 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और इक्वल टू 18 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 × 18 आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, 18 × 18 काट दीजिए, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 18 दूना कितना आ गया 36 आ गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से 36 हो जाएगी। दोनों तरीका सिखा दिए हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, जब तीन संख्याएं अनुपात में दी जाती हैं तो जो बीच वाला होता है यानी मध्यानुपात का स्क्वायर जो होता है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलें, तीसरा सवाल देखिएगा, कह रहा है 3.6 6.9 और 11.4 का चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन कब मिलेगा दोस्तों, जब हमारे पास चार संख्याएं होंगी तब फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है यानी चौथे नंबर पर एक्स को बैठाना है, तृतीय अनुपात बोलता तो तीसरे नंबर पर, कहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, पहला हमारा 3.6 है, दूसरा हमारा क्या है 6.9 है,
तीसरा हमारा क्या है, 11.4 है, 11.4 है, और आपको चतुर्थ अनुपात बोलना है ना, तो x को आप चौथे नंबर पर रख दीजिए। अब इससे अनुपात समानुपात बनाना है, कैसे बनेगा देखिएगा, 3.6 इन दोनों के बीच में रेशियो, यानी 6.9 और 3.6 के बीच में, फिर यहाँ पर लगेगा हम लोग समानुपात लगाएंगे तो ये हो गया, फिर यहाँ पर है 11.4 और अनुपात x हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा अनुपात और समानुपात बन गया। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू एक्स इक्वल टू 6.9 और इंटू 11.4। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, है ना, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। देखिए यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3.6 को उधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो पॉइंट हटाइए, तो ये 69 हुआ, ये आपका 114 हो जाएगा, डिवाइड में ये आपके पास 3.6 मतलब 36 हो जाएगा, तो यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ऊपर 6.9 का एक पॉइंट हटाए तो एक जीरो, यहाँ पर इसका पॉइंट हटाए तो एक और जीरो लग जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, देखिए एक जीरो से तो एक जीरो पहले ही कैंसिल हो गया, 12 से इसको काटिए, हाँ या फिर हाँ 13 से काट, तीन से काट दीजिए ना, तीन से, तो तीन से जब इसको हम लोग काटेंगे तो तीन से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 3 36, तीन से इसको काटिए तो कितना होगा, यहाँ पर 3 3 9 2 बचा 3 8 24, ये हो गया आपका, ठीक है। अब और कुछ कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, यहाँ पर ये 2 से भी कट सकता है ना, 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 69, यहाँ पर 19 है, और बटे में आपका 60 है ना, 6 × 10। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर चलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, बेहतर होगा यही चीज़, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 69 को अगर 20 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 69 को अगर हम 20 में मल्टीप्लाई कर दें तो 69 दूना कितना हो जाएगा, 60 × 120, 9 × 18, 138 हो जाएगा, है ना, और माइनस उसमें से 69 घटा देंगे, तो भाई देखिए ना, 69 को आपको 19 से गुणा करना है, तो इस 19 को हम लिख सकते हैं 20 − 1, है ना। अब 69 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 138 आएगा, यानी ये जीरो लग गया, 1380 माइनस इसमें से 69 हम लोग और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, तो 80 में से अगर 69 घटाएं तो आपका कितना होगा, 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, और ये 13 पहले से, तो 1311 ऊपर आया, 1311 ऊपर आया, बटे में आपका 6 है और गुणे में 10 है, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 × 12 और बचा आपका कितना, 1, तो 11 हो गया, 6 × 1 = 6, फिर आपका कितना बचा, 5 बचा, तो 6 यहाँ पर 5 है ना, तो लगभग 21 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, 21 पॉइंट कुछ आएगा, यही वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 21 पॉइंट दिख रहा है ना, और किसी में 21 पॉइंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट सवाल जवाब हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, एक सवाल ऐसा हम आपको और देते हैं जिसका कमेंट में उत्तर देना है आपको, इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है, वैसे ही सवाल है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी इसमें निकालना है, इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, सॉल्व करिए और आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, दोस्तों ये जो बैच चल रहा है, अभ्यस्त बैच हमारा, इसमें आप लोग बेसिक से सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा, और डेली क्लासेस होती हैं, डेली आप लोग वीडियोस देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, रिलेवेंट सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपको, है ना, हर एक टाइप का सवाल, हर एक टाइप का सवाल, एक क्लास में भाई कोई भी चैप्टर पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, 5 से 6 क्लासेस उसमें लगती हैं, ठीक है। ये चौथा क्लास अभी आपका चल रहा है, इसके अभी बहुत सारे टाइप बचे हैं जो हम आगे के क्लासेस में करने वाले हैं, तो सारे क्लास को देखिएगा, ये नहीं कि हरे एक क्लास को देख लिए, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, बस आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है, पूरा क्लास, है ना, हर एक क्लास देखिए आप, ठीक है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से हर एक टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो आधा अधूरा पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे, है ना। तो सभी को देखें, सारे क्लासेस को ज्वाइन करिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, ये सवाल देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, केंद्र सरकार बाढ़ ग्रस्त ए, बी और सी तीन राज्यों को एक निश्चित राशि 2, 3 और 4 के अनुपात में देती है, कुछ भी जो भी रुपए है, यहाँ पर जो भी रुपए है सरकार प्रोवाइड कराती है, और तीन राज्यों को उस राशि को जो भी टोटल यहाँ पर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसको 2, 3 और
4 के अनुपात में तीनों राज्यों में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी कितने कितने रेशियो में बांटा जाता है, 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटा जाता है जो भी कुल राशि है। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, सी को ए से 4 करोड़ रुपए अधिक मिला, सी को ए से 4 करोड़ रुपए अधिक मिला। अब अगर आपको नहीं पता है चीज़ तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स मानेंगे, 2x 3x 4x, है ना, यही ना करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखें यहाँ पर सीधे सीधे देखिए कि भाई रेशियो में सी को कितना अधिक मिला है ए से, यहाँ पर सी को ए से 4 करोड़ रुपए अधिक मिला है ये कह रहा है ये। अगर हम बात करें रेशियो में तो रेशियो में कितना अधिक मिला है दोस्तों, सी को ए से कितना अधिक मिला है, 2 अधिक मिला है, 2 रुपए अधिक मिला है ना, देखिए 2 सी ए 4 है यानी 2 अधिक मिला है। और एक्चुअली में उसको कितना अधिक मिला है, 400 करोड़ रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 200 हो गया। आपको पूछा क्या था, बी का मान क्या होगा, यानी बी को कितनी राशि मिली। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, 1 रुपये का वैल्यू यहाँ पर 200 करोड़ है, 1 यूनिट का वैल्यू 200 करोड़, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 यानी कि 600 करोड़। तो 600 करोड़ दोस्तों यहाँ पर सही जवाब रहा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बेहतरीन तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया है कि कैसे ऐसे सवालों को किया जाता है। ऐसा एक सवाल और हम करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बस ये कुछ नहीं करना है, आपको मानना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी को ए से 4 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, 400 करोड़, तो आप भाई अनुपात में देख लीजिए कितना अधिक मिला है, 2 अधिक मिला है, और उसी की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको। बस वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, फिर जो पूछा है वो आप निकाल दीजिए। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई केंद्र सरकार द्वारा टोटल कितनी राशि यहाँ पर दी गई तीनों राज्यों को, तो तीनों राज्यों को अगर रेशियो में देखें तो टोटल कितना दिया गया है, 3, 2, 5 और 9 यानी 9 यूनिट दिया गया है। 9 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए तो 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 करोड़। यानी कि टोटल जो राशि है वो कितनी दी गई केंद्र सरकार द्वारा, 1800 करोड़ रुपए। समझ में आ गई होगी बात, आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अब देखिएगा ये वाला सवाल, ये भी वैसा ही सवाल है, आप चाहें तो इसको वीडियो को रोककर इसको एक बार लगा लीजिए, फिर देखिए सोल्यूशन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। कह रहा है ABC के पास 2, 5 और 7 के अनुपात में कुछ रुपए हैं, ठीक है, ABC किस रेशियो में पैसे हैं उनके पास, इसके पास 2 हिस्सा है, इसके पास 5 हिस्सा है और इसके पास 7 हिस्सा है। कह रहा है यदि बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है, है ना, बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है, तो एक बात बताइए रेशियो में कितना अधिक है, यहाँ पर सभी रेशियो में, तो बी के पास ए से रेशियो में कितना अधिक रुपये है, 3 रुपये अधिक है, और यही कह रहा है कि एक्चुअल मान भाई इसका 90 रुपये है, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपके पास 90 रुपये दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/3 यानी कि 30 हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा क्या है सी के पास कितने रुपए हैं, सी के पास यहाँ पर निकाल दीजिए 1 का वैल्यू 30, तो 7 का वैल्यू 30 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 30 से हम लोग गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 7 × 21 मतलब कि 210 रुपये। तो सी के पास कितने रुपये हैं दोस्तों, 210 रुपये हैं, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग आराम से बिना किसी यहाँ पर घबराहट के आसानी से बना ले जाएंगे। आगे चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए दोस्तों ये सवाल, अब इस सवाल में ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डाटा यहाँ पर कम दिया गया है, है ना, डाटा कम दिया गया है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं वो लोग, क्यों, क्योंकि भाई एक पार्टी में उपस्थित मेल एंड फीमेल का रेशियो 4 और 7 दिया गया है, पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं ये आपको बताना है, आपको और कुछ भी नहीं बोला, आपको और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ रेशियो दिया है, सिर्फ रेशियो दिया है और आपको कुल कितने लोग हैं ये बताना। कुछ लोग को तो लगेगा कि भाई यहाँ पर कि डाटा इनसफिशियंट है, मतलब कि डाटा अपर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यहीं पर तो फंसते हैं आप लोग। देखिए क्या है, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपके पास, 4 और 7 का रेशियो दे रखा है, है ना, 4 और 7 का रेशियो दे रखा है। अब एक बात बताइए, टोटल यहाँ से आपको कितना मिला, टोटल यहाँ से आपको कितना मिला, 7, 4, 11। अब यहाँ पर रेशियो में टोटल 11 लोग हो रहे हैं, बाकी आपको सवाल में कुछ नहीं दिया गया है, इसके बाद का जो भी काम करना है वो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब देखिए
टोटल हमारे पास 11 यूनिट हैं। अब जो भी यहाँ पर पार्टी में उपस्थित लोग होंगे वो या तो 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा दोस्तों, 11 का कोई मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब गुणक, है ना। तो 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा या 44 होगा या 55 होगा या 66 होगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन में से चेक करिए, क्या ये 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? ये भी नहीं है। ये आपका 11 का मल्टीपल है 66, 11 संग 66 होता है ना, ये भी आपका मल्टीपल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि डाटा आपको अपर्याप्त दिया गया है, आंकड़े अपर्याप्त हैं इसलिए आप लोग छोड़ देंगे, सोचेंगे कि गलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, चलते हैं अगले सवाल में। अब इस सवाल में दोस्तों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, हम लोग ना यहाँ पर ट्रिक से भी बनाएंगे अगर बनेगा तो, है ना। पहले तो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10x प्लस 3y और रेशियो 5x प्लस 2y इक्वल टू 9:5। तो इसका वैल्यू इसको ले लीजिए, इसका वैल्यू इसको ले लीजिए, है ना। तो ले के देखते हैं हम लोग, कितना है आपके पास, 10x प्लस 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 5x प्लस का आपका 2y है, 2y है इक्वल टू आपका 5 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करना है दोस्तों। क्या हम इसको 10x कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 10x करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये वाला आपका ख़त्म हो गया अब इसका कहानी, ठीक है। घटा दीजिए, यहाँ से ऊपर वाले को घटाइए ना, 10x में से 10x गया तो कुछ नहीं बचा, 4y में 3y गया तो 1y बचेगा, y की वैल्यू 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब आगे सुनिए, तो x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, y की वैल्यू जब 1 आई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10x प्लस y की वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6/10 आ गई दोस्तों। और इसको आगे काटेंगे तो 2 × 3 = 6, है ना, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 3/5 आ गया, x की वैल्यू 3/5 आ गई। अब इसमें जस्ट आपको रखना है और कुछ नहीं करना। देखिए 2x प्लस y यानी कि 2 × x प्लस x है ना, तो 3/5, तो यहाँ पर ये हो गया 3/5 हो गया। और सुनिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का आपका y है, y का मतलब क्या, 1, है ना। इसका किसके साथ रेशियो बताना है, यहाँ पर देखिए x प्लस 2y, तो x कितना है हमारा, 3/5 है, 3/5 है, और प्लस 2y यानी 2 हो जाएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6/5 और प्लस 1, तो 6×5 = 11/5 हो गया। ये हो गया आपका 11/5। रेशियो यहाँ पर कितना होगा, 5×2 = 10, 3×3 = 13, 13/5 हो जाएगा, 13/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 और 13 का रेशियो आएगा दोस्तों। डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला, है ना। तो इस तरीके से करते तो आपका काम आसान हो जाता। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल यहाँ पर और देखते हैं, देखिएगा इसको, छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें से लड़कियों और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 5 और 7 है। देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें आपको हो सकता है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, लड़कियों और लड़कों का, तो लड़कियों और लड़कों के यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ का, गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 7 का है, 5 और 7 का है। और टोटल आपके पास कितने छात्र हैं यहाँ पर, लड़के लड़की मिलाकर 60 हैं। रेशियो में देखें तो टोटल कितना है, 7×5 = 12, यानी 12 यूनिट की वैल्यू आपके पास 60 दिया गया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 5 हो जाएगा, है ना, 60/12 5 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या बताइए, एक का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एक का वैल्यू 5, तो 7 का वैल्यू 35 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है यदि 5 लड़के कक्षा से निकाल दिए जाते हैं, लड़कों को निकाला गया है, तो यहाँ से 5 लड़के निकाल लीजिए, तो अब कितने बचे, 30 बचे भाई, यहाँ से 5 कर दीजिए ना, 5 निकाल दीजिए लड़कों को, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए लड़कियों को नहीं निकाला गया है तो उतने ही रहेंगे, 6 से काटिए, 6 5 से ना, 5 से काटिए भाई, 5 से काटिए, है ना,
पाँच पचम 25 और पाँच छक्के 30। अब आप कहेंगे कि 5 और 6 हो जाएगा, लेकिन सुनिए यहाँ पर गड़बड़ दिया है आपको। कह रहा लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के हमारे 6 हैं और लड़की हमारे 5 हैं, ये रेशियो बनेगा दोस्तों। जल्दबाजी में ये गलती मत करिएगा कि 5-6 आपको दिख गया तो बी ऑप्शन आप करेक्ट कर दें, जो कि गलत हो जाए और आपका नंबर कट जाए। ये आपका सही जवाब हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसाया गया था, लड़कों और लड़कियों को पूछा है ना कि लड़कियों और लड़कों का। दिया था लड़कियों और लड़कों का, लेकिन पूछा है लड़कों और लड़कियों का, यानी रिवर्स करके पूछा है ना। तो 6 और 5 होगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इस सेशन के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।